देखिए इतना इजीली। राधे राधे जी, कैसे हो आप? सभी हो अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड आप सभी के लिए एक बहुत ही यूनिक सा डेजर्ट लेके आई हूँ जो आप लोगों से शेयर करूँगी आज। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दूध बॉईल करने को रख देते हैं। यहाँ पे दूध बॉईल करने को रख दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट तैयारी के लिए। मैंने ब्रेड लिया हुआ है जो कि फ्रेश ब्रेड है, तो इसके जो साइड्स के ब्राउन पार्ट्स हैं उसको पहले कट कर लेंगे। ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। एंड मिक्सर चलाते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसको पल्स मोड पे चलाना है, इसको आपको कंटिन्यूटली नहीं चलाना है। ब्रेड में अब बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दूध लेके इसको अच्छे से इसका डो तैयार करना है। एंड अब इसको रोटी की तरह बिल्कुल मलना नहीं है, बिल्कुल हाथ आपके हाथ हल्के होने चाहिए और बस इतना कि आप इसका डो तैयार कर लें। और डो बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए, तभी गुलाब जामुन आपके बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। सॉफ्ट सा डो तैयार कर लिया है। अब इसको 5-10 मिनट ऐसे रेस्ट करने के लिए रखते हैं। उसके बाद चलते हैं इसका सिरप बनाने के लिए। सिरप बनाने के लिए जितना मैंने शक्कर लिया है उतना ही पानी लेना। जैसे छोटी सी कटोरी मैंने शक्कर ली है तो इसी कटोरी से मैं एक कटोरी पानी भी ऐड करूंगी। और जब ब्रेड का अगर हम गुलाब जामुन बनाते हैं तो इसका जो ये सिरप बना रहे हैं जो भी, तो ये बिल्कुल सिरप की तरह ही होना चाहिए। इसकी चाशनी बिल्कुल हमें ना गाढ़ी नहीं करनी है। अगर इसकी चाशनी गाढ़ी हो गई ना तो फिर ये अच्छा नहीं जाएगा गुलाब जामुन ब्रेड का। और इसका बिल्कुल पतला होना चाहिए, बिल्कुल पतला भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। बस थोड़ा सा ये चिकनाहट आए, अभी बनाऊंगी फिर दिखाती हूँ आपको। एंड जब तक इसमें जो शक्कर मेल्ट नहीं होती है तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। अगर इसको नहीं चलाएंगे तो फिर ना ये जमने लगे। जब तक मेल्ट होता नहीं है तब तक इसको ऐसे ही चलाते रहना है। जैसा कि आप देख पा रहे हो धीरे धीरे शक्कर मेल्ट हो चुकी है। अब इसको धीमी आंच पे हम ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देते हैं और चलते हैं अपने गुलाब जामुन की तैयारी करने। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें रिफाइंड ऑयल डाला है और रिफाइंड ऑयल तब तक गर्म होता है तब तक यहाँ अपने गुलाब जामुन के बॉल्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मार्केट वाला लुक देने के लिए ना किशमिश ली है और उसमें थोड़ा सा फूड कलर ऑरेंज कलर मैंने ऐड किया है। अब इस तरह से बॉल बनाते टाइम मैं उसमें हल्का सा होल करूँगी और स्पून की हेल्प से आप जो किशमिश मैंने तैयार किया है उसमें इसको फिल करूँगी। मैं स्पून का यूज़ इसलिए कर रही हूँ ना क्योंकि इसमें कलर है और अगर ये हाथ से करूँगी तो
कलर फैलने लगेगा, जिससे कि बॉल कलरफुल हो जाएंगे। इसलिए आप भी स्पून का ही यूज़ कीजिए। और यहाँ पे देखिए गुलाब जामुन भी मेरे रेडी हो चुके हैं, मीन्स अभी बॉल्स रेडी हुए हैं। और ये देखिए चाशनी भी यहाँ रेडी हो चुकी है। देखिए बिल्कुल जैसे ऑयल का चिकनाहट होती है ना, बिल्कुल वैसी चाहिए। और यहाँ पे ऑयल मेरा बिल्कुल एकदम हीट नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। मैंने थोड़ा सा इसका डाला है और देखा है कि ऊपर आ गए हैं, मीन्स ये इतना हमको गर्म चाहिए। अब मीडियम फ्लेम होनी चाहिए और अपने गुलाब जामुन को मैं फ्राई कर लूँगी। अब इसमें क्या है ना कि आप जब फ्राई करोगे तो इसको भी कंटिन्यूसली आपको चलाना है, ताकि ये चारों साइड से अच्छे से गुलाब जामुन फ्राई हो जाए, वरना एक साइड फ्राई होंगे और एक साइड ऐसे ही रह जाएंगे। एंड यहाँ पे गुलाब जामुन देखिए बिल्कुल मेरे रेडी हो चुके हैं, कलर भी कितना अच्छा आया है। इसको फिर मैं निकाल लूँगी और ये गरम है, और जो मैंने चाशनी बनाई है ना उसको हल्का गुनगुना होना चाहिए, इतना कि आप उसका टेम्परेचर आप कंट्रोल कर पाओ। बिल्कुल गरम नहीं होना चाहिए, इतना कि आप फिंगर उसमें ऐड करो तो आप उतना टेम्परेचर कंट्रोल कर सको, क्योंकि गरम चाशनी में ही ये बहुत अच्छे से ऑब्जर्व होगी, अंदर तक पूरी चाशनी जाएगी इसकी। ये सेवई ली है और इसको हल्के से ऑयल में फ्राई करूंगी, रिफाइंड ऑयल में फ्राई करूंगी। रिफाइंड ऑयल बहुत ज्यादा नहीं लेना है, बिल्कुल इतना कि बस ये हल्का सा भुन जाए। पीसी हुई चीनी हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये खाने में फीका ना लगे, तो इसलिए इसमें पीसी हुई चीनी ऐड करते हैं। खड़ी चीनी ऐड करेंगे तो फिर मेल्ट होने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए इसमें पीसी हुई चीनी ऐड कर दे। और चीनी ऐड करते समय गैस की फ्लेम बंद होनी चाहिए। अब इसमें ये थोड़ा सा दूध ऐड करते हैं, जिससे कि सेवई जो है वो सॉफ्ट हो जाए। बहुत ज्यादा नहीं, इतना बस दूध ऐड करना है कि सेवई जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। दूध डालने के बाद गैस को मैंने जला दिया है और थोड़ा सा इसको इसमें पका लेंगे, जिससे कि जो सेवई है हमारी वो सॉफ्ट हो जाएगी। यहाँ सेवई रेडी हो चुकी है। किसी भी साइज की कटोरी ले सकते हैं, प्लास्टिक की कटोरी, कोई भी कटोरी आप ले सकते हैं। अब ये जो सेवई मैंने बनाई है इसको इसमें इस तरीके से इसको कटोरी में रखना है और इसको इस तरीके से प्रेस करते हुए चाहिए, बिल्कुल कटोरी की शेप में। आपको कम ज्यादा जो भी मिक्सर लगे उसको थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाइए। इस तरीके से इसको आपको शेप देख के कटोरियां बना लेनी। ये देखिए कटोरियां तैयार हो चुकी हैं। अब इसको हम 1 से 2 आवर इसको फ्रिज में रख देंगे और उसके बाद आपको इसको निकाल के भी दिखाएंगे, बहुत ही इजीली निकल जाएगा। एंड अगर आपको इंस्टेंट चाहिए, जल्दी है, आपको 1-2 आवर का टाइम नहीं है, तो आप इसको फ्रीजर में 15-20 मिनट्स आप इसको रख दीजिए, तो भी ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगे। इसको रखते हैं फ्रिज में। यहाँ पे मैंने जो दूध रखा था ना वो पकने के लिए, वो बिल्कुल आधा हो चुका है, आधा दूध जो है वो जल चुका है, और इसकी मैं राबड़ी बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने कुछ ब्रेड क्रम्स को बचा लिया था,
तो इसमें ये दूध में मैंने यहाँ पे ब्रेड क्रम्स को मिलाया है, क्योंकि ना दूध थोड़ी सी थिक हो जाए, जैसे रबड़ी होती है ना, बिल्कुल आपको रबड़ी वाला टेक्सचर मिल जाए, इसलिए मैंने थोड़ा से ब्रेड क्रम्स मिलाए हैं। और आप यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर भी मिला सकते हैं और भी अच्छा फ्लेवर हो जाएगा। तो मेरे पास कस्टर्ड पाउडर नहीं थे तो मैंने ब्रेड क्रम्स का यूज किया है, तो ये ठीक हो जाएगी। और इसमें मैं शक्कर ऐड कर दी, पे मेरी रबड़ी भी तैयार है, गुलाब जामुन भी तैयार है। तो चलिए अब चलते हैं, अपनी कटोरियां देख लेते हैं वो अच्छे से सेट हो चुकी हैं या नहीं। ये देखिए, ये हाफ आवर हो चुका है और हाफ आवर के बाद इसको हम फ्रीजर से निकाल रहे हैं। ये नाइफ की हेल्प से इसको आप बहुत ही इजीली तो ये देखिए कितना इजीली ये बहुत अच्छे से निकल चुका और कितना सुंदर लग रहा है ना, मतलब बिल्कुल बर्ड नेस्ट लग रहा है ना, चिड़िया का घोंसला है ना। तो चलिए अब ये तो रेडी है, अब इसकी फिलिंग तैयार कर। डेजर्ट आइडियाज आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। तो चलिए आज का वीडियो ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए। टाटा बाय।